हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू माय डियर्स। योर टॉपिक की जो प्रोग्रेस वॉइस क्लास इज नाइन्थ। डियर स्टूडेंट्स, इन वॉइस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोजेज सेंटेंस। Closed sentence. In previous classes, we discussed about it is time and the sentences which begin with there, and in these sentences you get infinite verb in the middle of the sentence. Okay dears, in voice closes sentence you have to know what is the structure. What is the structure of active voice and passive voice? Dear students, in active voice, first of all, you will get unimportant subject. What are the unimportant subject? In active voice, if you find a subject as they, we, people, all people, everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody. So, these everyone, everybody, these subjects are known as unimportant subjects. Okay, dear students, unimportant subject which have no importance in passive voice. People, they, we, all people, everyone, everybody, someone, somebody, no one, nobody. These are the subjects which are known as unimportant subjects. Okay, dear students, in active voice, first of all, you will get unimportant subject, and then you will get here the verb say or feel or expect, think, hope, etc. Plus that, plus second clause. Dear students, unimportant subject, then say, feel, expect, think, hope, etc. You will get any one of the verb say or said, feel or felt, expect or expected, think or that, thought, hope or hoped. Okay? If we want to transform this type of sentence into passive voice, write it first of all and remove unimportant subject from passive voice.
वी डू नॉट यूज अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. डियर स्टूडेंट्स, हियर यू विल राइट इट एज ए सब्जेक्ट, देन यू विल राइट इज और वॉज. ओनली वन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स. वॉट विल यू राइट हियर? इज और वॉज? इट विल टेल यू द सेकेंड, द फर्स्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस विल टेल यू. वॉट विल यू राइट हियर? इफ यू फाइंड शे, फील, एक्सपेक्ट, थिंक, होप, बिलीव, देन यू विल राइट हियर इज. बट इफ यू फाइंड हियर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स सैड, फेल्ट, एक्सपेक्टेड, थॉट, होप्ड, बिलीव्ड, विश्ड, देन यू विल राइट हियर वॉज. मीन्स टू से इफ देयर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हियर देन यू विल राइट हियर इज. इफ यू फाइंड हियर द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस देन राइट हियर वॉज विद द सब्जेक्ट इट. ओके डियर्स, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस सेकेंड क्लॉज. राइट द सेकेंड क्लॉज एज इट इज. डियर स्टूडेंट्स, हेयर आई विल टॉक टू यू इन हिंदी ए लिटिल. थोड़ा सा हिंदी में बात कर लेता हूं. सबसे पहले अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट महत्वहीन करता आएगा, फिर से, फील, होप, बिलीव, एक्सपेक्ट, थिंक, इनमें से कोई एक वर्ब आएगी. ये वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आ सकती है, या इस जगह पर सेकंड फॉर्म शेड, फेल्ट, एक्सपेक्टेड, थॉट, बिलीव्ड, होप्ड ऐसे आ सकता है. इसके बाद दैट ये होगा आपको, यानी कि दैट कनेक्टर है, जोड़क शब्द है जो दो क्लॉजेज को जोड़ेगा. कहने का मतलब इसमें आपको दो क्लॉज मिलेंगे, इसीलिए ये क्या कहलाता है, आपका क्लॉजेज सेंटेंस कहलाते हैं. और फिर दैट के बाद में क्लॉज, दूसरा सेकंड क्लॉज यहाँ दिया हुआ आएगा. इट इज, इट वॉज पैसिव में चेंज करोगे, अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हटा दीजिए. सबसे पहले इट लिखोगे, इज लिखोगे या वॉज लिखोगे. यदि यहाँ मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो इज लिखिए, और सेकंड है तो वॉज लिखिए. थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे. से आता है तो से की थर्ड फॉर्म सैड लिखो. सेकंड फॉर्म सैड आता है तो थर्ड फॉर्म सैड लिखो. कहने का मतलब ये आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया सेकंड फॉर्म, इनकी थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लिखनी है. फिर दैट लगाना है, कनेक्टर जोड़क शब्द, और सेकंड क्लॉज को यू हैव टू राइट द सेकंड क्लॉज एज इट इज, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं. नाउ वी विल टॉक टू यू इन इंग्लिश. हियर एक्टिव वॉइस सेंटेंस पीपल से दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. पीपल से दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. डियर स्टूडेंट्स, हियर इन एक्टिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल अन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज गिवन, दैट इज पीपल. देन से द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, देन कनेक्टेड दैट एंड द सेकेंड क्लॉज. इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस देन राइट और बिगिन द सेंटेंस विद द सब्जेक्ट इट. रिमूव पीपल. हेयर से इज गिवन, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मीन्स टू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. राइट हेयर इज. देन थर्ड फॉर्म मीन्स शेड. इन एक्टिव वॉइस अन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड द वर्ब इज से, दैट कनेक्टर एंड द सेकेंड क्लॉज. हेयर यू विल राइट इट. देन इज और वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब मीन्स से, थर्ड फॉर्म ऑफ
say it said, then write that. And the second clause is English is an international language. English is an international language. Okay, the second sentence, everyone felt that AIDS is an incurable disease. Everyone felt that AIDS is an incurable disease. Dear students, if you want to transform the sentence into passive voice, first of all, look at the blackboard. You find here the unimportant subject, then the verb felt. Connector is that, and AIDS is an incurable disease. It is the second clause. Okay, remove everyone. Write here is, felt is given here, write was, and the third form of felt is felt. It was felt. Connector is that, and the second clause, AIDS is an incurable disease. Incurable disease. Disease means illness. Illness. Incurable means the disease or the illness which cannot be cured, which cannot be treated. And AIDS, the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Okay? Active third sentence is, people expected that India exported weapons to Africa. This is your sentence, dear students. If you want to transform this sentence into passive voice, first of all, look at the blackboard. You will get the unimportant subject as people. Then the second form of the main verb, expect, it is given here. That connector connects here two clauses, people expected that, and the second clause is India exported weapons to Africa. Okay, change this sentence into passive voice. People, the unimportant subject, remove the unimportant subject from passive voice and write here it. My dear students, after it, you will use helping verb. And the helping verb is here, was. Why? Why we did not use here helping verb is? Because here in active voice, second form of the main verb is given. My dear students, if you find the second form of the main verb in active voice, then write here, was. If you find the first form of the main verb, then you will have to write here, was. It was. The third form of expected is expected. It is the second form. And it is the third form. Dear students, second and third form are the same. But we consider this verb as a second form and this verb as a third form. Why?
बिकॉज आफ्टर द सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब इज नेवर यूज्ड. इफ वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब देन हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड. आफ्टर द सब्जेक्ट डायरेक्टली ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब आर यूज्ड. इट वॉज एक्सपेक्टेड कनेक्टर हेयर इज दैट इंडिया एक्सपोर्टेड वेपन्स टू अफ्रीका. ओके, दीज आर द सेंटेंसेज. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कॉपी ऑल द सेंटेंसेज फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड बाई पॉजिंग द वीडियो, और यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट इन योर मोबाइल. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट ऑल दीज सेंटेंसेज. यू गॉट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मीन्स क्लॉजेज सेंटेंस. इन क्लॉजेज सेंटेंस यू फाइंड टू क्लॉजेज एंड यू हैव टू चेंज ट्रांसफॉर्म द क्लॉजेज सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस. बट इफ यू फाइंड टू क्लॉजेज इन क्लॉजेज सेंटेंस यू हैव टू ट्रांसफॉर्म ओनली द वन क्लॉज इन टू पैसिव वॉइस. Both of the clauses are not transformed into passive voice. Only one clause is transformed. Okay, dear students, I hope you got this type of sentence and you can change, transform the active voice sentence of this type into passive voice. Okay, dear students, with these words, I finish my class here. Thank you.